आज आप लोग पानागर वीडियो ऑफिस में आए हैं, किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया आप लोग? देखिए, पानागर रेल पार और रेल पार में जितने भी गांव हैं, उन गांव के लोगों को और अपना आधा आधा घंटा एक एक घंटा समय नष्ट करना पड़ता है रेल गेट के ऊपर, और रेल गेट बंद रहता है, नई नई ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनों का ट्रैफिक है, और उसके कारण से रेल गेट बंद रहने के कारण लोगों को भोगना पड़ता है। और इस विषय पर लोगों के बात को ध्यान में रखते हुए, लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए, इलाके के क्षेत्र के सांसद माननीय श्री SS अहलूवालिया जी ने और रेल से अनुरोध किया एक फ्लाईओवर निर्माण के लिए, और रेल ने इस विषय पे, चूँकि यह कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पर बनता है, इसमें वित्तीय आदान प्रदान का विषय है रेल और राज्य सरकार के बीच में, और उस हिसाब से रेलवे ने राज्य सरकार को इस संपर्क में संपर्क किया था, पत्राचार किया था, मगर उनके पत्राचार के बाद भी अभी तक किसी तरह का कोई उद्योग राज्य सरकार के द्वारा नहीं लिया गया, किसी तरह के पत्राचार का कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दिया गया और भारतीय रेल को राज्य सरकार के द्वारा। और उसके बाद लगभग 2-3 वर्ष बीतने के बाद भी माननीय सांसद SS अहलूवालिया जी ने और क्षेत्र की जनता को ध्यान में रखते हुए, चूँकि राज्य सरकार किसी तरह का कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रही है कॉस्ट शेयरिंग के विषय पे, इसलिए उन्होंने रेल बोर्ड से आग्रह करके और रेलवे प्रशासन से ही, रेलवे बोर्ड से ही इसका पूरा फंडिंग कराने का काम उन्होंने करवाया। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार को जो पहल करनी चाहिए वो पहल वो नहीं कर रही है, किसी तरह की सहयोगिता नहीं कर रही है रेल को, रेल के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं कर रही है, जिसके कारण से यह काम रुका हुआ है। इसी विषय में हम अवगत कराने के लिए BDO मैडम को आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो अपने उच्च पदस्थ अधिकारियों से इस विषय में बात करेंगी।